सोचो आपने एक शेयर 4 रुपए की प्राइस में खरीदा कुछ यहां पर, और आपके खरीदने के 1 साल के अंदर ही उसकी जो प्राइस थी वो बढ़कर 8 से 9 रुपए के आसपास पहुंच गई, यानी आपका जो पैसा है वो डबल हो गया है। और जैसे ही आपने देखा कि पैसा डबल हो गया तो आपने सोचा कि अब इस शेयर की प्राइस और ज्यादा क्या बढ़ेगी, जल्दी से इसको बेच के निकल लेता हूं। और जब आप उस शेयर को बेच देते हो तो उसके 1 साल बाद आपको दिखाई देता है कि जो शेयर आपने 4 रुपए में खरीदा था उसकी जो प्राइस है वो तो लगभग 28 रुपए पहुंच गई है, यानी आपका जो पैसा होता वो इस केस में सिर्फ 2 साल के अंदर 7 गुना हो गया होता, जबकि आप डबल में ही खुश हो गए थे। अब ये देखकर आपको बहुत बड़ा झटका लगता, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आज उस शेयर की जो प्राइस है वो 6,800 रुपए के आसपास है, और इवन एक टाइम पर वो 8,000 रुपए भी जा चुकी है, यानी ऐसे में आपका पैसा कितने गुना होता आप एक बार सोच के देखिए। और इवन एक्चुअल में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने इस शेयर को 4 रुपए में खरीदकर 8 या 10 या 15 रुपए में बेच दिया होगा, और आज जब वो शेयर को देखते होंगे तब रिग्रेट करते होंगे कि काश अभी तक मैंने शेयर को रखा होता तो मैं करोड़पति बन गया होता। अब इसका उल्टा कई बार होता है कि आपने एक शेयर को 100 रुपए में खरीदा, उसकी जो प्राइस है वो घटकर 90 रुपए आ गई है। अब आप सोचते हो कि यार प्राइस कभी ना कभी तो बढ़ेगी, तो आप वेट करते हो, लेकिन इसके बाद शेयर की प्राइस गिरकर 80 रुपए पे आ जाती है। यहां पर आपको टेंशन होती है, आपको लगता है कि यार मुझे 90 रुपए में ही शेयर को बेच देना चाहिए था, बट उस टाइम भी आप शेयर को नहीं बेचते हैं, और उसके बाद प्राइस गिरकर जब 50-60 रुपए पे आती है तब जाके आप शेयर बेचते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता था बस एक चीज समझकर कि शेयर को बेचना कब है। देखो शेयर को खरीदना कब है ये तो सब बताते हैं, हमने भी बहुत बार बताया है, लेकिन शेयर को बेचना कब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि एक शेयर को कब बेचना चाहिए, एक कमेंट कम से कम जरूर करना ताकि बाकी लोगों को भी आपका ओपिनियन समझ आए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम समझते हैं मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला रीजन जब आपको अपने शेयर को बेच देना चाहिए, तो इस रीजन को जानने के लिए हम चलेंगे स्क्रीनर की वेबसाइट में। क्लियर कर दूं कि स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए हमेशा आपको बताता हूं। हम इस वेबसाइट में आ चुके हैं, यहां पर जो स्टॉक आपने बाय कर रखा है उसका एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे हम रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है तो इसे एग्जांपल की तरह ही कंसीडर कीजिएगा। तो मैंने रिलायंस लिख के सर्च किया है, अब हमें जानना है कि मैंने स्टॉक बाय तो कर लिया है लेकिन कब बेचना चाहिए, और यहां पर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं या फिर ट्रेडिंग की नहीं, क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग की बात करेंगे तो वहां पर हमारे लिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा, फंडामेंटल एनालिसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो अगर हमें जानना है कि हमें एक स्टॉक को कब बेचना चाहिए तो इसके लिए यहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहां पर ना आपको एक कॉन कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन कॉल्स हैं ये एक्चुअल में क्या होती है, ये बातचीत होती है किनके बीच में, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और एक इंटरव्यूअर के बीच में, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कंपनी का क्या विजन लेके चल रहे हैं। अब ये जो कॉन कॉल्स हैं ये बहुत लंबी होती है, जनरली 1 से 1.5 घंटे का एक कन्वर्सेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कन्वर्सेशन था ये 1 घंटे 4 मिनट का था, जिसको हमें राइटिंग की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो इतना सब अगर आपने बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तब तो आपको ये सब भी पढ़ना चाहिए, बट अगर हम शॉर्ट में बताएं तो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस कॉन कॉल के नोट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें वो जो ट्रांसक्रिप्ट थी उसकी समरी आपको बताई जाती है, जिससे भी आपको कंपनी का जो फ्यूचर विजन है उसके बारे में पता चलता है। जैसे यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, और यहां पर जो कंपनी के प्रमोटर्स है ना वो पास्ट का डेटा की बात तो करते ही हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो क्या करने की सोच रहे हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में भी काफी बातें करते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे यहां पर आपको बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने अपने 5G नेटवर्क का फास्टेस्ट रोल आउट कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने 3 लाख करोड़ के मार्क को क्रॉस किया है, और उनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 10,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है, बट इसके बाद हम आ जाते हैं डिजिटल सर्विस पे, तो उसके बारे में उन्होंने अपना बहुत सारा डेटा दिया है और वो भी पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसके आगे आपको यहां पर कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही हैं, यहां पर उनकी आगे की स्ट्रेटजीज क्या है, आउटलुक क्या है, वो भी उन्होंने यहां पर बता रखा है। जैसे यहां पर इन्होंने बताया है कि ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक चैलेंज नहीं है, तो ये सारी चीजों से आपको कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में पता चलता है, जिससे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको अब उस स्टॉक को रखना चाहिए या फिर नहीं। और ये जो कॉन कॉल्स होती हैं ये हर 3 महीने में कंपनी के क्वार्टरली
वाले रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद आती है। और अभी ये जो कॉन कॉल्स हैं ये बिल्कुल रीसेंट है, अप्रैल 2024 की हैं। तो ये था पहला तरीका जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक स्टॉक को कब बेचना है। अब दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं। अब जो दूसरा रीजन होता है कि स्टॉक को बेचने का, वैसे यहां पर क्लियर कर दूं कि अगर आपके माइंड में ये डाउट था कि मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अगर आपने 100 में खरीदा है तो उसको 200 में बेच दो, 300 में बेच दो, तो ये बातें इलॉजिकल हैं। यहां पर आपको यही समझना होगा कि कौन सी सिचुएशन में आप एक स्टॉक को बेचेंगे, तो इसी हिसाब से इस वीडियो को समझिए। तो जो दूसरा रीजन होता है कि स्टॉक को बेचने का, वो होता है एक कंपनी के फंडामेंटल्स में चेंज आना। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी का शेयर बाय किए हैं और उसकी जो सेल्स हैं वो लगातार घटती जा रही हैं, उसका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार घटता जा रहा है, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी लगातार घटता जा रहा है। तो इस केस में आपको सबसे पहले ये समझना है कि कंपनी की जो सेल्स है वो क्यों कम हो रही है, उसका जो प्रॉफिट है वो क्यों कम हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी अभी तक अच्छे से फंक्शन कर रही थी, अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, उसकी सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा प्लेयर उस सेक्टर में कूद जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेक्टर है जिसमें रिलायंस कूद जाता है, तो वहां पर बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मार्जिन तो कम होंगे, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था। तो ये भी एक टाइम होता है जब आपको समझना है कि आपको एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है या फिर नहीं। और इसीलिए तो हमेशा कहा जाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 स्टॉक रखने चाहिए, और ये भी मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपके पास 15-20 स्टॉक हैं तो उनका एनालिसिस आप कर सकते हैं, उसमें क्या कमी आ रही है, क्या अच्छाई है, इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक होंगे, 60 स्टॉक होंगे, तो आपको शायद उन स्टॉक्स के नाम भी याद नहीं रहेंगे। वैसे अभी मैं आपको फंडामेंटल रीजन बता रहा हूं, लास्ट में मैं आपको एक टेक्निकल रीजन भी बताऊंगा जिसके बेसिस पर भी आप अपना जो स्टॉक है उसको सेल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा रीजन होता है कि स्टॉक को बेचने का, वो होता है कि मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि एक नया स्टॉक है ABC नाम का। नया मतलब आपकी नजर में वो पहली बार आया है और आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, इसकी जो सेल्स और रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और आपको दिखाई दे रहा है कि इस शेयर की जो प्राइस है उसके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। लेकिन देखिए, हर किसी के पास पैसे लिमिटेड होते हैं, चाहे बड़े से बड़ा या अमीर से अमीर आदमी होगा, उसके पास भी लिमिटेड पैसा है, क्योंकि उसके खर्चे और उसकी इन्वेस्टमेंट भी उस लेवल की होगी। तो अगर मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है ये स्टॉक अच्छा है और आपके पास कोई XYZ नाम का स्टॉक है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अब उतनी अच्छी सेल्स या उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रह गई है, और उसमें चाहे आप प्रॉफिट में हैं चाहे आप लॉस में हैं, बट आपको लग रहा है कि इसमें कुछ आगे बढ़ने के चांसेस आपको नहीं दिख रहे हैं, जिसके लिए हो सकता है कि आपने उसके कॉन कॉल्स पढ़े हों या उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया हो। वैसे अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता है तो इस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है। बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक कोर्स भी बना रखा है जो कि 46 लेक्चर्स का कोर्स है। तो आप उस कोर्स को बाय कर सकते हैं हमारे ऐप नीरज जोशी से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर कर दूं कि वो एक इन्वेस्टिंग का कोर्स है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये जो स्टॉक आपने बाय कर रखा था, भले ही उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो, ये जो स्टॉक है इसमें आपको कुछ खास अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिल रही हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्टॉक को बेच सकते हैं और अपना पैसा इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप एक स्टॉक को बेचकर दूसरा स्टॉक खरीद रहे हैं तो पहले पूरा कॉन्फिडेंट हो जाइए, उसके बाद ही खरीदिए। और जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक स्टॉक में आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, दूसरे स्टॉक में आपने 2,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अब ये जो 1,000 वाला स्टॉक है ये अगर 5 गुना भी हो गया तो आपको सिर्फ 5,000 का ही प्रॉफिट होगा, और अगर ये स्टॉक 10% भी गिर गया तो आपको 20,000 का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अगर एक स्टॉक में 1,000 डाले हैं तो दूसरे में भी 1,000, 1,200 या 800 डालो। अगर एक स्टॉक में 2,00,000 डाल रहे हो तो अगले में भी 2,20,000 डालो, 1,80,000 डालो या फिर 2,00,000 डालो। तो थर्ड रीजन आपको क्लियर हो गया है कि जब आपको दिखाई देता है कि एक नया स्टॉक है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप अपने उस स्टॉक को बेच सकते हैं जो कि उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन होता है कि स्टॉक को सेल करने का, वो रीजन भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने एक स्टॉक बाय किया है जिसकी प्राइस 100 रुपये में आपने उसे बाय किया था, उसकी जो प्राइस है वो बढ़कर 200 रुपये हो चुकी है, और आपको दिखाई देता है कि जब आपने बाय किया था उसकी जो सेल्स थी उस टाइम पर 10% के रेट से ग्रो हो रही थी, और अब जो उसकी सेल्स हैं वो 5% के रेट से ग्रो हो रही हैं।
तो आपको दिखाई दे रहा है कि ना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ना कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ऊपर से घट रही है, और उसके बावजूद शेयर की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो अगर उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, जैसे मान लीजिए हो सकता है कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो, इस वजह से उसकी प्राइस बढ़ी हो, तो वो एक जेन्युइन रीजन है। लेकिन आपको पूरा रिसर्च करने के बाद कोई भी ऐसा जेन्युइन रीजन नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है, तो इस केस में आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए और आपको उसको ढंग से दोबारा से एनालिसिस करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है तो उस केस में आप सेल कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे कि यार सेल्स बढ़ रही है, घट रही है, यार कहीं ऑर्डर तो नहीं मिला, लेकिन ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और वैसे इसको आसानी से पता किया जा सकता है, उसके लिए आपको यूज करने होते हैं कुछ रेशियोज जिनसे आप ये पता कर सकते हैं, जिसमें एक रेशियो है पी रेशियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे आप वैल्यूएशन का पता कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा रेशियो यूज किया जाता है वो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज के लिए यूज किया जाता है, और या फिर जो बैंक वगैरह होते हैं उनमें पीबी रेशियो का यूज किया जाता है, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। इससे भी आप पता कर सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा भी काफी सारे रेशियोज हैं, अब हर रेशियो को यहां पर नहीं बताया जा सकता, तो इसके लिए हमने जो कोर्स बना रखा है उसमें हमने डिटेल में ये सब चीजें सिखा रखी हैं। वहां पर हमने एक डीसीएफ मेथड भी सिखाया है वैल्यूएशन निकालने का। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि वैल्यूएशन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। कई बार होता है कि जो न्यूज होती है वो बाद में आती है और प्राइस पहले बढ़ जाती है, तो यहां पर आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो स्टॉक 100 में खरीदा था वो 200 चला गया, तो उसके बाद भी वो 250 जाए, 300 जाए, और उसके बाद करेक्ट करे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्टॉक अगर बिना फंडामेंटल रीजन की वजह से बढ़ रहा है तो एक ना एक दिन जरूर करेक्ट करता है। इसलिए आप जिस स्टॉक को बाय करके बैठे हो तो जब उसकी प्राइस अचानक से बढ़ने भी लग जाए ना, तब भी उस पे ध्यान दीजिए कि भाई अब प्राइस बढ़ी तो क्यों बढ़ी। अब इसके बाद एक स्टॉक को बेचने के पीछे जो नेक्स्ट रीजन होता है वो होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आना। मान लो एक सेक्टर है एक्स वाई जेड, जिस सेक्टर पर गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रखी है और इससे इस सेक्टर को बेनिफिट होता है, तो अब जब तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पीएलआई स्कीम लॉन्च कर रखी है तब तक इस सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से अगर गवर्नमेंट इस पीएलआई स्कीम को कैंसिल कर देती है तब क्या होगा कि इस सेक्टर की जिन भी कंपनीज को उस पीएलआई स्कीम की वजह से बेनिफिट मिल रहा था उन सभी को सफर करना पड़ेगा, उनके जो प्रॉफिट्स होंगे उन पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से अगर आपको दिखाई देता है कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए चेंज हुई है तो वहां पर उस सेक्टर को एक लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी जरूर ध्यान रखिए जिस सेक्टर के स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन होता है कि स्टॉक को सेल करने का, वो होता है एक सेक्टर का डिक्लाइन करना। देखो जब भी कोई नया सेक्टर मार्केट में आता है, जैसे आजकल एआई की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात चल रही है, तो ये नए सेक्टर्स मार्केट में आए हैं, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा सेक्टर है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसकी जो सेल्स हैं उनका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक नया सेक्टर आ गया है जैसे कि एआई आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है उस सेक्टर से अपने पैसे निकाल कर इस नए सेक्टर के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ध्यान रखिए कि हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है। जब भी कोई इंडस्ट्री आती है तो शुरुआत उसकी धीरे धीरे होती है, और उसके बाद एक बार जब वो बढ़ने लगती है तो वो बहुत तेजी से बढ़ती है। बट जब उस सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि वो सेक्टर कुछ खास रिटर्न्स नहीं देता है। असली रिटर्न आपको किसी भी स्टॉक से, किसी भी सेक्टर से तब मिलेंगे जब वो अपने ग्रोइंग फेज में है। जब वो ग्रो हो चुका है उसके बाद आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन एक टाइम हर सेक्टर हर इंडस्ट्री के साथ आता है जब वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। अब इस केस में अगर आपका वो सेक्टर है जो डिक्लाइन कर रहा है तब आप उससे एग्जिट कर सकते हैं, और इस जगह पे हो सकता है कि जो सेक्टर डिक्लाइन कर रहा था वो कोई नया प्रोडक्ट एक्सटेंशन लेकर आ जाए जिससे क्या हो कि उसकी जो साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ से वो गिरी थी, इसके बाद दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट हो गई। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, शुगर इंडस्ट्री। तो जो शुगर इंडस्ट्री है वो जब शुरू हुई होगी धीरे धीरे ग्रो हुई काफी बढ़ गई, अब आज के टाइम पर थोड़ी बहुत डिक्लाइन कर रही थी। तो अब क्या हुआ कि जो शुगर स्टॉक्स हैं उन्होंने एथेनॉल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिसको एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो है वही इंडस्ट्री, लेकिन उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एथेनॉल, जिसको फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है। तो अब उस सेक्टर का क्या हो गया,
उसका प्रोडक्ट एक्सटेंशन शुरू हो गया, उसकी ग्रोथ शुरू हो गई। खैर ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, इस बात को सुनकर डायरेक्टली इन्वेस्ट करने मत चले जाना। यहाँ पे क्लियर कर दूं कि एथेनॉल नया प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसको फ्यूल की तरह जो यूज किया जा रहा है उसकी अभी ग्रोथ शुरू ही हुई है। अब नेक्स्ट रीजन बताने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आपको एक स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, और वो रीजन है मैनेजमेंट में चेंज आना। देखिए अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट में चेंज आता है तो इसका मतलब है कि एक गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है ना, वो बदल चुका है। अब अगर वो ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलेगी, लेकिन अगर वो ड्राइवर खराब होगा तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। इसका एक एग्जांपल है फोर्टिस हेल्थ केयर। अब इसका जो एग्जांपल है ये मैं आपको पॉजिटिव सेंस में दे रहा हूं। तो हुआ क्या कि 2018 के टाइम पर ना इस कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उस टाइम पर इसकी जो मैनेजमेंट थी उसमें बहुत क्लैश चल रहे थे, जिसका खामियाजा इस कंपनी को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद इस कंपनी में एक नए सीईओ अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है आशुतोष रघुवंशी, और जब से उन्होंने इस कंपनी को संभालना शुरू किया तब से आप देखेंगे कि कंपनी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी लॉस में आ गई थी 912 करोड़ के, अगले साल भी कंपनी लॉस में रही थी, लेकिन उसके बाद से जब मैनेजमेंट में चेंज आया कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता चला गया। क्लियर कर दूं कि ये भी एक एग्जांपल है। बट सोचिए कि अगर मैनेजमेंट में कोई नेगेटिव चेंज आता है, कोई अच्छा व्यक्ति है जो कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहा है और वो चेंज होकर कोई नया सीईओ अपॉइंट हो जाता है, इस केस में क्या हो सकता है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकती है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी किसी कंपनी के सीईओ चेंज होते हैं तो उस टाइम पर कई बार शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है और कई बार गिरती है। अब इसी के साथ एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मैनेजमेंट का विजन। माना कि मैनेजमेंट वही की वही है, लेकिन उनका जो विजन है वो बदल गया है, तो इस केस में भी हो सकता है कि आपको अपने स्टॉक को बेच देना चाहिए। जैसा इसका एक एग्जांपल है वीडियोकॉन। आपको पता है कि वीडियोकॉन एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, उसके टीवी शायद आप सभी ने यूज किए होंगे, अगर यूज किए हैं तो कमेंट करना, और हाँ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हुआ क्या कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इनका प्रॉफिट भी सेल्स भी बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा था, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि हमारा ये बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है ना, एक काम करते हैं कि ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की फील्ड है ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, इस फील्ड में कूद जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो मैनेजमेंट है इसका विजन चेंज हो गया, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में ध्यान देना कम कर दिया, और ये जो नया बिजनेस में एंटर किए थे उस बिजनेस में ज्यादा ध्यान देने लगे, और ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव था, जिसकी वजह से इनका जो डेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और उस फील्ड की उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से वीडियोकॉन का बिजनेस खत्म हो गया। इसलिए जब भी आपको दिखाई देता है कि जो मैनेजमेंट है वो किसी नई जगह पे कूद रही है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट का वो डिसीजन सही नहीं है तो आपको उस स्टॉक को बेच देना चाहिए। अब चलते हैं हमारे लास्ट रीजन की तरफ। तो जिस भी स्टॉक को आपने बाय कर रखा है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको उसे सेल करना चाहिए या फिर नहीं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उस स्टॉक का चार्ट ओपन कर लेना है, और ये जो चार्ट आपने ओपन करना है ये आपने वीकली टाइम फ्रेम में करना है, यानी अगर आप 5 मिनट 10 मिनट का करेंगे तो फिर वो ट्रेडिंग के लिए होता है। ये जो टाइम फ्रेम है ये आप वीकली सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पर आपको ये जो एक कैंडल दिखाई दे रही है जब हमने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो इस केस में ये जो कैंडल है ये एक हफ्ते की कैंडल है, यानी इस एक हफ्ते में शेयर की प्राइस बढ़ी थी, इस एक हफ्ते में शेयर की प्राइस गिरी थी। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें एक इंडिकेटर का यूज करना है। उसके लिए हमें इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर जाकर लिखना है EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं तो ये जो लाइन है आपके चार्ट में आ जाती है, जो कि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, लेकिन अभी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड का है। हमें क्या करना है, हमें इसको चेंज करके कर देना है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जब आप इसे 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर देंगे तो अब ये जो लाइन है ये 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन गई है, यानी ये जो लाइन है ये हमें एक शेयर की प्राइस के पिछले 50 हफ्तों का एवरेज बता रही है, मतलब मोटा मोटी एक साल का एवरेज आपको पता चल रहा है। तो अब जब आपको दिखाई देता है कि शेयर की जो प्राइस है वो इस लाइन को नीचे की तरफ काट रही है, तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं। जैसे
आपने इस स्टॉक को बाय किया होगा बहुत पहले, आपको दिखाई देता है कि यार यहां से प्राइस गिरने लगी। अब यहां पर आपको प्राइस गिरती हुई दिख रही है तो देखो इसके बाद बढ़ भी सकती है, फिर गिरी लेकिन इसके बाद भी बढ़ सकती थी, लेकिन जब ये इस लाइन को नीचे की तरफ काट देती है ना तो उसके बाद प्राइस गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर सेल कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही प्राइस वापस इस लाइन को तोड़कर ऊपर चली जाती है तब आप बाय कर सकते हैं। अगर इस केस में आपने ऐसा किया होता तो आपने देखिए कि इसे एक ठीक ठाक प्राइस में बेच दिया होता और उसके बाद आप सस्ते में खरीदते, यानी ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होता। अब इसके बाद दोबारा जब आपको दिखाई देता है कि प्राइस वापस से इसके नीचे आ गई है तो आप यहां पर सेल कर सकते थे, आपने यहां पर सेल किया होता, उसके बाद प्राइस बढ़ी है लेकिन वापस से गिर गई थी और उसके बाद जब दोबारा से बढ़ने लगती आप तब बाय कर लेते। तो लॉन्ग टर्म में आप इस इंडिकेटर का यूज भी कर सकते हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस ने हमारा जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको नीचे की तरफ काटा है, उसके बाद प्राइस बहुत ज्यादा गिरी और जब वापस से ऊपर आई तब हमने फिर से बाय कर लिया। तो ये इतना सिंपल है। तो यही कुछ तरीके हैं जिनके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कब एक शेयर को सेल करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हां, अगर आप एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको वीडियो दिखाई दे रही है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।